उद्योग श्रम एवं रोजगार व तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में हमीर भवन में जिला कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हमीरपुर से विधायक नरेंद्र ठाकुर तथा भोरन से कमलेश कुमारी विशेष रूप से उपस्थित रही। हमीरपुर के हमीर भवन में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में जिला कल्याण समिति की बैठक आयोजन किया गया। बैठक में हमीरपुर से विधायक नरेंद्र ठाकुर, भोरन से विधायक कमलेश कुमारी भी मौजूद रहे। बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में वर्ष 2018-19 में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर लगभग 44,37,82,000 रुपये व्यय किए गए और अधिकांश योजनाओं में 100% भौतिक लक्ष्य प्राप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र आवेदकों को सिलाई मशीन या तकनीकी औजार क्रय करने के लिए 1800 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र लाभार्थियों को गृह निर्माण अनुदान योजना के तहत लगभग 1,01,33,000 रुपये, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 28,40,000 रुपये, दिव्यांगजन छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के लिए 9,00,000 रुपये, दिव्यांगजनों को विवाह अनुदान के लिए 4,00,000 रुपये इत्यादि की राशि अभी तक खर्च की जा चुकी है। बैठक में SDM भोरंज अमित शर्मा, नदौन दिलेराम दीवान, सुजानपुर शिल्पी बेगटा, हमीरपुर डॉक्टर चिरंजी लाल, वर्सर SDM प्रदीप ठाकुर सहित सरकारी व गैर सरकारी सदस्य भी मौजूद रहे।